सब खत्म कर दिया था मैंने उस दिन, पर ये दिल है कि मानता ही नहीं है। पता है आज तक मैं उससे भूल नहीं पाया, और मेरी किस्मत की कभी कुछ कह भी नहीं पाया। जब बोला तो शायद बहुत देर हो चुकी थी, मैं तो तब भी उसका ही था पर वो शायद किसी और के हो चुकी थी। आई डोंट नो क्यों, पर उसकी जिंदगी में, उसके दिल में वो जो एक मेरा छोटा सा हिस्सा है ना, वो किसी और को नहीं देना चाहता। मुझे पता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और अगर मैंने भी उसे डिस्टर्ब करना छोड़ दिया तो शायद हमारे बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। समझाता हूं दिल को, इतना पागल क्यों होता है, उसने तो तुम्हें कब का छोड़ दिया है, पर तू उसके लिए इतना क्यों रोता है। पता है उसके साथ था तो ना चाहते हुए भी उससे हर रोज लड़ाइयां कर देता था। सोचता था कि आज बहुत प्यार से बातें करूंगा, पर बातें करते करते आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता था कि उससे लड़ाइयां करना स्टार्ट कर देता था। वो प्यार से बात करना चाहती थी मुझसे, पर मैं था कि कुछ ठीक ही नहीं करना चाहता था। उसने मुझे 1, 2, 3, 4 उसने मुझे कई चांस दिए अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए, पर मैं बहुत स्टुपिड था, हर बार उनका अजीब से फायदे उठाया है। पता है मुझे क्या लगता था कि उसको कोई और नहीं मिलेगा, वो तो मेरी है ना, वो हमेशा मेरी ही रहेगी, और वो तो मेरी जिंदगी से जा ही नहीं सकती। हमेशा यही सोचकर उसे बाय फॉर एवर बोल देता था, पर पता है इस बार तो वो सच पे चली गई। वो मुझसे हर रोज शिकायत करती थी कि मैं उसे कॉल नहीं करता हूं, पर आज तो साला हद ही हो गई कि उसने मुझे मना किया था कि आज के बाद कभी कॉल नहीं करना, और आज तो मैंने खुद बा खुद कॉल कर दी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे तुम्हारी कुछ पिक्स है मेरे पास, आई डोंट नो मुझे उनका क्या करना है, पर उनको देख के मैं सो तो नहीं पाता हूं, पर थोड़ा बहुत रो जरूर लेता हूं। मेरी जिंदगी का वो सहारा सा बन गई है। तुम्हें भूलने के लिए आई डोंट नो मैं क्या क्या करता हूं। मुझे ना मूवीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वक्त को काटने के लिए आजकल मैं मूवीज भी देखने लगा हूं। बहुत सारी गलतियां की है मैंने, माफ करने के लायक भी नहीं है वो, पर सच में मैं तुमसे दूर जाके ही सीख पाया हूं कि सच में जिंदगी में उस शख्स की कमी तभी खलती है जब वो शख्स हमारी जिंदगी में नहीं होता है। समझ में नहीं आता कि किसको खुश हूं मैं, उनके साथ में रह भी नहीं सकता और उनके बिना जी भी नहीं सकता, पर अब वो खुश हैं और थैंक गॉड कि वो खुश हैं। मैं उन्हें डिजर्व नहीं करता, और साला मैं डिजर्व ही नहीं करता। बस गॉड ब्लेस यू, जिंदगी में एक नई शुरुआत करो। ओके टाटा, बाय बाय, सीरियसली मिस यू।